गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 15 जुलाई, दिन है मंडे का और शाम के बज रहे हैं 7। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, वीडियोस को कीजिए लाइक शेयर और कमेंट्स। अगर ये वीडियोस आपको आ रहे हैं पसंद या फिर किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हैं मार्केट के बारे में सीखने में, आपके पोर्टफोलियोज मैनेज करने में, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। शर्त सिर्फ एक है, अगर आप हैं एक ऑप्शन ट्रेडर या फिर एक इंट्राडे ट्रेडर और इस संबंध में किसी तरह की मदद कर रहे हैं तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इस चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर हम करते हैं शेयर्स को थॉरली एनालाइज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और अगर इन दोनों ही बेसिस पर शेयर्स उतरते हैं खरे तो हम देते हैं उसमें बाइंग की सलाह। ये सारी सलाह सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग बेसिस पर होती है, जिनमें मिनिमम पोजीशंस वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम ईयरली बेसिस पर या फिर उससे भी लंबे समय के लिए आपके पोर्टफोलियो फॉर्मेशन में हम करते हैं आपकी मदद। फ्रेंड्स, आज की ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम चला रहे हैं सीरीज फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड के बारे में। इससे पहले लर्न टू अर्न सीरीज के 20 वीडियोस के अंतर्गत हमने आपको सिखाया है टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस, आपने बहुत पसंद किया उस सीरीज को। आज हम इसी सीरीज का फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का फोर्थ वीडियो, और टॉपिक है अर्निंग पर शेयर। ये जो आप स्लाइस देख रहे हैं ना, फॉरवर्ड स्लैश, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस के समय कैसे करते हैं। अगर आपके पास हैं किसी तरह के कोई क्वेश्चंस, डाउट्स, तो काइंडली अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजते रहिए। जैसे जैसे ये सेशंस आगे बढ़ते रहेंगे आपके ये डाउट्स ऑटोमेटिकली दूर होते रहेंगे। आप ध्यान से सुनिए, किसी तरह का कोई जार्गन नहीं, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में सिंपल भाषा में आपको समझाना कि अर्निंग पर शेयर क्या है। अगर किसी एक साल कोई एक कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करती है, यानी कि नेट प्रॉफिट जितना भी 10 करोड़ 12 करोड़ 20 करोड़, इस पूरे को अगर हम भाग दे दें उसके अवेलेबल शेयर्स से, मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल हैं उसके, उससे भाग दे दें, तो हमें यह पता चल जाता है कि एक शेयर पर उस कंपनी ने उस पूरे साल में कितना प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब समझ में आया, अर्निंग पर शेयर कितना अर्न किया किसी भी कंपनी ने प्रति शेयर हर एक साल। अब यह चीज आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, सो जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई एक कंपनी अगर उसकी अर्निंग पर शेयर 35 रुपए है और शेयर करेंटली चल रहा है 100 रुपए पर, यानी 100 रुपए मार्केट का रेट है और उसका अर्निंग पर शेयर 35 रुपए है ईयरली, तो सब कुछ अगर बिल्कुल स्टैटिक रहे तो एक साल बाद उस कंपनी का जो रेट होगा ना मार्केट में, वो होना चाहिए 135 रुपए। इसका मतलब है कि अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी के शेयर के रेट को घटाने या बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल, फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर हमेशा अच्छा होना चाहिए कंपैरेटिवली उसके शेयर प्राइस के। सस्ते अर्निंग पर शेयर यानी 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा 1 रुपए 1.5 रुपए 2 रुपए, इस तरह के अर्निंग पर शेयर से हमेशा रहना चाहिए आपको दूर। ये अर्निंग पर शेयर असल में आपको मिलेगा कहां, सो खोलिए मनी कंट्रोल वेबसाइट, इसके सर्च कॉलम में डालिए किसी भी कंपनी का नाम, जैसे कि इंफोसिस का। इंफोसिस का नाम डालते ही जो आपके सामने इंफॉर्मेशन पूरी आती है, इसमें एक पर्टिकुलर कॉलम होता है यहां पर जिसे हम कहते हैं ईपीएस या अर्निंग पर शेयर, यानी उस पूरे साल कंपनी ने जो भी अर्निंग की है वो प्रति शेयर कितनी आई है ये। अच्छा, अर्निंग पर शेयर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि जितनी भी स्ट्रांग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जिन्हें आप कहते हैं लार्ज कैप, चूंकि अब लार्ज कैप हम आपको बता चुके हैं, मार्केट कैप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, तीसरे वीडियो में आपने देख रखा है। सो जिन कंपनियों को आप कहते हैं ब्लू चिप कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां, बड़ी भरोसेमंद अच्छी कंपनीज, उनका अर्निंग पर शेयर आप हमेशा अच्छा देखेंगे। कैसे, 25 रुपए 30 रुपए 100 रुपए 150 200, कईयों का 1000 रुपए भी होता है। और जो कंपनी बिल्कुल गड्ढे में जाने वाली हैं उनका अर्निंग पर शेयर आपको कैसे मिलेगा, 10 पैसे 20 पैसे, कभी कभार 1 रुपए 1.5 रुपए 2 रुपए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहला नियम है मार्केट कैप आपने देखा किसी भी कंपनी का, सेकंड नियम के तौर पर अर्निंग पर शेयर जरूर देखिए कि आपके एक शेयर की एवज में वो कंपनी कितना जनरेट कर रही है, अर्निंग प्रति शेयर कितना जनरेट कर रही है। और ये ईपीएस हमेशा 20-25 रुपए के आसपास में हो लार्ज कैप का, तो ही उस कंपनी को खरीदने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं, अभी हम बहुत ज्यादा इसको कठिन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम आपको ये बताएं कि अलग अलग सेक्टर के लिए अर्निंग पर शेयर अलग अलग होगा,
अलग अलग बिजनेस में अलग अलग अर्निंग पर शेयर होगा। फिर ये बताएं कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के भी अर्निंग पर शेयर अलग अलग। अभी सबसे डाउट रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना रखिए कॉन्सेप्ट कि अर्निंग पर शेयर हमेशा 20-25 रुपए से ज्यादा कंपनी का होना चाहिए, तब आप ये मानिए कि वो कंपनी वाकई एक अच्छी कंपनियों की कैटेगरी में शामिल होती है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या सिर्फ शेयर एकेडमी अपने मर्जी से ही बनाकर बता रही है आपको कि अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी का अच्छा होगा तो ही वो कंपनी आपके लिए बेहतर होगी, या कि ये इन्फॉर्मेशन ग्राउंड पर आप किसी भी तरह से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स निकाल कर रखे हैं सामने, और इन एग्जाम्पल्स के आधार पर हम देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर वाकई ग्राउंड पर काम करता है या नहीं। सबसे पहले इन्फोसिस, पता है आपको, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, पूरा मार्केट कैप 3,40,000 करोड़ रुपए से ऊपर है, और अर्निंग पर शेयर ध्यान से देखिए 33 रुपए का है। यानी अगर एक साल में इस कंपनी में और कुछ भी ना हो तो साल के बाद अगर करेंटली मार्केट प्राइस कंपनी का जो शेयर है वो 780 रुपए पर है, तो अगले साल यहां से 33 रुपए और बढ़ना चाहिए इस शेयर को कम से कम, यानी 5% तो इस शेयर के अंदर इजाफा होना ही चाहिए। बट ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। तो इसका अर्निंग पर शेयर आप देख रहे हैं तकरीबन 34 रुपए के आसपास है इन्फोसिस का। सेकंड कंपनी है MRF, आपको पता है कि टायर सेक्टर की देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है और शायद सबसे महंगी कंपनी भी एक शेयर के प्राइस के आधार पर। एक समय हुआ करता था जब MRF का शेयर 75,000 रुपए पर चला करता था, करंटली अर्निंग पर शेयर 23,000 करोड़, मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है, और अर्निंग पर शेयर देखिए 2,586 रुपए है। करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 56,000 पर, 2,586 रुपए है इसका अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है एक शेयर के एवज में उसके 2,586 रुपए हर साल ये कंपनी मुनाफा कमा रही है। हमेशा इस तरह की कंपनीज को मार्केट में ढूंढते रहिए जिनमें अच्छी अर्निंग पर शेयर हो, ये आपका बेसिक होना चाहिए। सेकंड, डॉक्टर रेड्डीज। जब सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज डाउन ट्रेंड के अंदर थी तब ये इकलौता शेयर था जो हायर हाई हायर लोज बना रहा था, लगातार बढ़ता हुआ। स्टैंड अलोन बेसिस पर डॉक्टर रेड्डीज का अर्निंग पर शेयर 76 रुपए है, जरा ध्यान से देखिए, बेहतरीन अर्निंग पर शेयर। इसीलिए ये कंपनी आपके रडार पर होनी चाहिए, बहुत ही शानदार कंपनी, सिर्फ अर्निंग पर शेयर की बेसिस पर और कुछ भी नहीं। ओके, सिर्फ अर्निंग पर शेयर की बेसिस पर देखिए तो कंपनी 76 रुपए, बहुत ही बढ़िया। अब यहां से आगे हैं बेहतरीन कंपनियां, और ये सारी वो कंपनियां हैं फ्रेंड्स जो आप में से वो लोग जो लर्न टू अर्न सीरीज के हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये सारी वही कंपनियां हैं जिन्हें हमने रेगुलर अपना जो लाइव सेशन था उसके दौरान अवॉइड के लिस्ट में डाला था, और आप देखते ही जान जाएंगे कि क्यों। जंप नेटवर्क, अर्निंग पर शेयर 4 पैसे है, आज ये शेयर 57 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी एक साल के बाद अगर इस कंपनी के अंदर और कोई चेंजेस ना हो तो इस शेयर का प्राइस 57 रुपए 4 पैसे होना चाहिए। क्या ये कंपनी आपको खरीदनी चाहिए? सिर्फ अर्निंग पर शेयर देखिए और कुछ मत देखिए, और बताइए कि क्या इस कंपनी को आप खरीदेंगे जिसका अर्निंग प्रति शेयर ही 4 पैसे हो। इसीलिए जंप नेटवर्क को हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस है क्या? इसके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है या जो आप सीख नहीं सकते? सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इससे पहले आपको पता नहीं था कि अर्निंग पर शेयर को एनालाइज कैसे करना है, आपको ये पता नहीं था कि ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या बता रही है, अब पता चल गया क्या बता रही है। रेन इंडस्ट्रीज, क्यों रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, डाउन ट्रेंड के अंदर है चार्ट, लगातार लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, और शेयर एकेडमी की जो वीडियो कैटेगरी है इस वीडियो कैटेगरी को ध्यान से देखिएगा। ओके, इसमें रेन इंडस्ट्रीज निकालते हैं, कहाँ चला गया। ओके, और रेन इंडस्ट्रीज को हमने रखा था अवॉइड कैटेगरी के लिस्ट में, जरा ध्यान से देखिएगा। डेंजर शेयर, इमामी, UPL, जैन इरीगेशन, वक्रांगी, टाटा ग्रुप के शेयर, PC ज्वेलर्स, अरे कहाँ चला गया भाई, अभी जाओ, हाँ ये रहा रेन इंडस्ट्रीज। क्यों रेन इंडस्ट्रीज को हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाला है? तो उसका जो रीजन है वो आपके सामने, क्या चार्ट पर शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे मेजर डाउन ट्रेंड में, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रेन इंडस्ट्रीज का जरा अर्निंग पर शेयर देखिए स्टैंड अलोन बेसिस पर। सारे के सारे जो अर्निंग पर शेयर आपको देखने हैं वो स्टैंड अलोन पर देखने हैं, ये क्या होता है ये भी बता देंगे आपको, फिलहाल ये जानिए कि स्टैंड अलोन पर देखना है।
₹1.82 है शेयर का अर्निंग पर शेयर, और कंपनी का रेट है करेंटली ₹92 पर। तो बताइए ज़रा कि जब आपके पास मार्केट में ऐसे शेयर अवेलेबल हैं जिनका अर्निंग पर शेयर ₹33, ₹2000, ₹76 है, तो ₹1.80 प्रति शेयर वाली कंपनी को आप खरीदेंगे? रेन इंडस्ट्रीज को इस लेवल पर बाय करेंगे जब आपको पता है कि अर्निंग पर शेयर ₹1.80 है? जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि तभी आएगा मजा। अगला शेयर ध्यान से देखिए, अदानी गैस, खूब डिस्कस हुआ। बोले सर हायर हाई पर जा रहा है, शेयर को बाय करें क्या? हमने कहा एक बार रुक जाओ जरा, शेयर के पहले फंडामेंटल्स देख लेने दो, और फंडामेंटल्स में सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पर शेयर देखिए। ₹2 अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, स्टैंड अलोन बेसिस पर ₹2 है अर्निंग पर शेयर अदानी गैस का। यानी ये शेयर अगर और कुछ न करे तो अगले साल ये ₹165 पर मिलेगा आपको, एक साल के बाद। तो क्या इस शेयर को आप इन लेवल्स पर बाय करना चाहेंगे? सिर्फ अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। आप में से अगर किसी को लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है, तो ध्यान रखिए हम अपने न्यू कमर्स, बिल्कुल नए रिटेल निवेशक जो हैं उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास अगर बहुत ज्ञान है, आप में से किसी को लग रहा है कि बहुत बच्चों जैसी इन्फॉर्मेशन है, सो काइंडली आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने पास में रखें। ये जो सेशन है ये मार्केट के उन न्यू कमर्स के लिए है जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिन्हें कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में। तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि अदानी गैस अर्निंग पर शेयर ₹2 है और चार्ट पर शेयर हायर हाइज बना रहा है, क्या इस शेयर को आप बाय करेंगे? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और देखिए अदानी गैस लिमिटेड पर मनी कंट्रोल के 100% लोग कह रहे हैं कि इसे बाय करना चाहिए, ठीक है? आप क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। गोकुल एग्रो, स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹39 है, करंटली शेयर ₹12 पर ट्रेड कर रहा है, ₹39 इस शेयर में बाय करेंगे आप? छोड़िए, यूनिप्लाई देखते हैं, प्लाई सेक्टर का शेयर, बेहतरीन शेयर है। करंटली चार्ट पर देख लीजिए एक बार शेयर को, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने की रेंज में, और शेयर वी शेप रिकवरी देकर पूरी तरह से अप ट्रेंड के अंदर आया। जब हमसे पूछा गया कि आपको इस शेयर में क्या करना चाहिए, हमने कहा भाई हम तो बाय नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है। तो पूछा गया फंडामेंटल्स में क्या नहीं अच्छा है, मैंने कहा अर्निंग पर शेयर देख लो सिंपल, बाकी आगे कहां जा रहे हो। ₹2.50 अर्निंग पर शेयर है, और वो भी करंट मार्केट में जहां आपको पता है कि फंडामेंटल्स किसी कंपनी के जरा भी वीक हुए तो मार्केट किस बुरी तरह से पनिश कर रहा है, बाय करना है? गति, स्नोमैन और गति, जितना ज़्यादा खरीदवाया गया है रिटेल निवेशकों को, इतना तो कोई शेयर नहीं खरीदवाया गया। कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है शेयर, ऊपरी स्तरों से हर बार नीचे गिर रहा है, लेकिन बिजनेस चैनल है कि बिना खरीदवाए मानेंगे नहीं पब्लिक को। सामने देखिए गति कुरियर सर्विस, गति लॉजिस्टिक, पता है ना आपको, नाम मालूम है। अर्निंग पर शेयर स्टैंड अलोन बेसिस पर ₹2.23, शेयर ₹71 पर ट्रेड कर रहा है, बाय करेंगे? और यहाँ देखिए सेंटीमेंट्स मनी कंट्रोल के, 100% लोग बाय करने के लिए कह रहे हैं। चार्ट है कंपनी का ये गति का, अब भगवान ही बता सकता है कि किस आधार पर बाय करने के लिए कह रहे हैं। ओके, आप बाय करेंगे गति पर? कमेंट बॉक्स में जाकर बताते रहिएगा फ्रेंड्स। रेन इंडस्ट्रीज, सबसे ज़्यादा लोग नाराज हुए हमसे और बोले कि रेन इंडस्ट्रीज बाय करना चाहिए, हमने कहा भाई ₹1.80 है सो हम तो बाय नहीं करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अगर आपको ये देखना है अर्निंग पर शेयर, तो आपको ये एक तो यहाँ मिल गया आपको डायरेक्ट अर्निंग पर शेयर, बट क्या सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से आप ये पता लगा सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर सही है या गलत? पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फाइनेंशियल्स इसके अंदर जाइए, रेन इंडस्ट्रीज़ के या किसी भी कंपनी के, ठीक है? कंपनी को आपने सेलेक्ट किया, फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल में ऊपर जहाँ बैलेंस शीट है यहाँ सेलेक्ट कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और इसमें सबसे नीचे आपको मिलेगा अर्निंग पर शेयर। ये लेवल दिख रहा है आपको, ये है अर्निंग पर शेयर, ठीक है? सेम ऐसा ही अर्निंग पर शेयर हमने निकाल रखा है, किसका? यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज का। अब ज़रा ध्यान से अर्निंग पर शेयर को देखिए, ऊपर यहाँ देखिएगा मार्च 15, मार्च 16, 17, 18, 19, यानी साल दर साल का ये लेवल है, और यहाँ पर आपको अर्निंग पर शेयर दिखेगा, ये रहा अर्निंग पर शेयर, इसे ध्यान से देखिए, ठीक? मार्च 15 में अर्निंग पर शेयर कंपनी का हुआ करता था कितना, 22, ये 22 पैसे है, देन ₹1.90, देन ₹3, देन ₹6.50 और ₹6.50, यानी पिछले साल से अर्निंग पर शेयर घटा और कहाँ चला गया,
₹1.11। नाउ इस सब में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि अर्निंग पर शेयर हमेशा सिस्टमेटिकली बढ़ता रहना चाहिए। ₹1 अगले साल ₹1.50 हो जाए, देन ₹2 हो जाए, देन ₹2.50 हो जाए, देन ₹3, देन 3.5। हमेशा अर्निंग पर शेयर सिस्टमैटिक तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए इसके अंदर। अगर अर्निंग पर शेयर किसी साल 22 पैसे, किसी साल ₹2, किसी साल ₹3, फिर किसी साल अचानक दो गुना हो गया ₹6, और फिर अगले ही साल एक तिहाई बचा ₹1, अगर इस तरह का जिक जैक गैप ग्रोथ दिख रहा है आपको अर्निंग पर शेयर में, तो ऐसे शेयरों से रहना चाहिए दूर, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज वो हैं जिनके अर्निंग पर शेयर में एक स्टैटिक ग्रोथ दिख रही है आपको, कॉन्टिन्यूसली धीरे 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 करके ग्रोथ हो रही है, ये होते हैं अच्छे अर्निंग पर शेयर वाले शेयर्स। हमेशा ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, और एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है अर्निंग पर शेयर की रेगुलर ग्रोथ का, अंबिका कॉटन मिल्स। ध्यान से देखिएगा इस शेयर को, अर्निंग पर शेयर को, स्पेशली इसकी अर्निंग पर शेयर ₹87 से ₹75, एक साल डाउन हुई, उसके बाद देखिए 75 से 97, यानी 75 से 97, देन ₹106, देन 110। एक स्टैटिक ग्रोथ है अर्निंग पर शेयर के अंदर, और ये स्टैटिक ग्रोथ आपको जब भी कभी दिखती है तब आपको ये कंपनी के जो शेयर्स हैं वो चार्ट पर भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे दिखते हैं। ओके, जरा लंबे समय का चार्ट अंबिका कॉटन मिल्स का देखिएगा, ये अप ट्रेंड इसी की वजह से दिखाया आपको, कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड इसीलिए है क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, और फंडामेंटल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अर्निंग पर शेयर आपको स्टैटिकली बढ़ते हुए दिख रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ₹75 से 97, 106, 110। कभी भी अर्निंग पर शेयर अगर आप देख रहे हैं किसी कंपनी का, तो उसे उस कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमेशा बढ़ते हुए क्रम में पाइए। जब भी कभी भी आपको ग्रोथ फॉर्म में अर्निंग पर शेयर मिले, ये समझिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ये था फ्रेंड्स आज का ये सेशन, जिसमें कि हमने जाना कि अर्निंग पर शेयर क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, और अर्निंग पर शेयर अच्छा होना किसी भी कंपनी के लिए क्या मायने रखता है। मार्केट कैप के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको रखनी ही चाहिए अर्निंग पर शेयर के बारे में, हमेशा ध्यान रखिए, ये आपको मनी कंट्रोल के पास में EPS का जो सेक्शन है इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पर आपको किसी भी शेयर का अर्निंग पर शेयर जरूर मिलेगा, इसे बहुत ध्यान रखिए। अर्निंग पर शेयर अगर कंपनी का अच्छा है तो ही उस कंपनी को बाय की कैटेगरी में डालिए। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जो ये आज का हमारा सेशन था न केवल आपकी समझ में आया होगा, हमने पूरी तरह से लेमैन लैंग्वेज रखी है, कोई जार्गन इस्तेमाल नहीं किया, कठिन शब्द बिल्कुल भी नहीं, कोई अपना नॉलेज शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मकसद है आपको सिखाना। तो न केवल आपने इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा बल्कि आपका नॉलेज थोड़ा बहुत बढ़ा होगा, साथ ही भविष्य में आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन मीन्स नो नॉलेज। सो जो भी आप सीख रहे हैं यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ऐसा है, ये सेशंस आपके लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स, और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको पता है शर्त सिर्फ एक है, ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग हम इंडोर्स नहीं करते हैं, तो इससे हमेशा दूर रहिएगा। साथ ही अगर आप चाहें हमारी मदद करना तो मदद कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, पेटीएम करके आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी हमारी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले वीडियो के अंदर, जो कि हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए, अपने और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और हमेशा याद रखिए दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।